हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे 28 कार्ड गेम, जिसे 29 कार्ड गेम भी कहा जाता है। दोस्तों, इस गेम को पार्टनरशिप में खेला जाता है। इसे चार लोग मिलकर खेल सकते हैं। पार्टनर्स को इस गेम में ऑपोजिट बैठना होता है, यानी कि आमने सामने। दोस्तों, इस गेम को 32 कार्ड से खेला जाता है, जो कि 7 से लेकर 21 तक होंगे, यानी कि 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। और इस गेम में 2 से लेकर 6 तक कार्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस गेम में पॉइंट्स जीते जाते हैं और लास्ट में टोटल किया जाता है। तो पॉइंट्स की वैल्यू इस प्रकार है। गुलाम को दिए जाते हैं 3 पॉइंट्स, और 9 को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, 21 को 1 पॉइंट दिया जाता है, और दहले को भी मिलता है 1 पॉइंट। तो दोस्तों, गेम में होते हैं 4 गुलाम, यानी कि 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हुआ 12। तो गुलाम के टोटल पॉइंट्स होते हैं 12, चारों गुलाम के 3-3 पॉइंट्स, और नहले के होंगे 2 पॉइंट्स, तो टोटल हुआ 8। इक्के के हुए टोटल 4 पॉइंट्स, और दहले के हुए टोटल 4 पॉइंट्स। तो दोस्तों, इन सबकी टोटलिंग जब हम करते हैं, 12, 8, 4 और 4, तो टोटल हुआ हमारा 28। तो इसी टोटलिंग पर इस गेम का नाम पड़ा है, 28। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी प्लेयर लास्ट में हाथ बनाएगा, उस टीम को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसीलिए इस गेम को 29 भी कहा जाता है। तो कुछ लोग इसे सिर्फ 28 पॉइंट्स के साथ खेलते हैं, टोटलिंग के साथ, और कुछ लोग लास्ट में हाथ बनाने वाले को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देकर इसको 29 गेम का खेलते हैं। तो आप अपने हिसाब से, जैसा कि आप लोग खेलना चाहें, इसे 28 भी खेल सकते हैं और 29 भी खेल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। अब कोई भी एक प्लेयर डीलर बन जाएगा और 4-4 पत्ते सभी प्लेयर्स में बांट देगा। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि डीलर कौन बनेगा। अब इस गेम में ट्रंप डिसाइड करने के लिए बोली लगाई जाती है, यानी कि बिडिंग की जाती है। तो सबसे पहले डीलर जो है सभी प्लेयर्स को 4-4 पत्ते बांट देगा। सभी प्लेयर्स अपने कार्ड्स को खोलेंगे और अपने कार्ड्स के हिसाब से वो बोली लगाएंगे कि वो कितने हाथ बना सकते हैं, कितने पॉइंट्स बना सकते हैं 28 में से। तो अगर 28 में से जिस भी प्लेयर ने सबसे ऊंची बोली लगाई, किसी प्लेयर ने 13, 14, 17, जितने पॉइंट्स की बोली लगाई, चारों में से जिसकी बोली सबसे ज़्यादा हुई, वही प्लेयर तुरुप डिसाइड करता है, यानी कि ट्रम्प डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोली लगा सकते हैं। जितने पॉइंट्स की आपने बोली लगाई है, उतने ही पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए। अगर आपके उतने पॉइंट्स नहीं बने तो आप हार जाएंगे इस गेम में। इस गेम में आप लोग तब तक बोली लगा सकते हैं जब तक कि बाकी तीनों प्लेयर्स पास ना बोल दें। मिनिमम आपको 14 पॉइंट्स की बोली लगानी होती है 28 में से, और या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं 14 से। तो जैसे कि मैं 4-4 पत्ते बांट चुकी हूँ, अब प्लेयर 1 ने पत्ते बांटे हैं, तो प्लेयर 2 बोली लग, तो अब प्लेयर 2 अपने कार्ड्स देखेगा और बोली लगाएगा। तो बेसिकली चारों प्लेयर्स अपने अपने कार्ड्स के हिसाब से बोली लगाएंगे। प्लेयर 2 के पास 2 गुलाम और 1 बादशाह है, तो इनके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये लगा सकते हैं बोली 15, तो ये 15 से शुरू करेंगे। अब अगले प्लेयर के पास 3 कार्ड्स नॉर्मल कार्ड्स हैं, 1 इक्का है, तो ये भी 15 लगा सकते हैं। ये प्लेयर लगाएगा बोली 15। अब प्लेयर 4 के पास चारों ही अच्छे कार्ड्स हैं, 2 बेगम हैं, 2 इक्के हैं, तो ये बोली लगाएंगे 18।
तो अब गेम में 15-15 और 18 की बोली है। अब प्लेयर वन के पास भी तीन अच्छे कार्ड्स हैं, एक का बादशाह और गुलाम है, तो हाईएस्ट बोली लगी है 18। अब ये प्लेयर लगा देगा बोली 19। तो अब आप देखिए प्लेयर टू के को 19 नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनके कार्ड्स ठीक ठाक हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने 15 की बोली लगाई है, ये बोलेंगे पास। अब अगला प्लेयर भी बोलेगा पास, क्योंकि इनके पास भी एक ही इक्का है। अब प्लेयर फोर जो है वो भी 19 की बोली लगा सकते हैं, 19 से ऊपर की, बट सेफ साइड उनको नहीं लगानी चाहिए और बड़ी बोली, क्योंकि उतने पॉइंट्स उन्हें बनाने ही पड़ेंगे गेम में। सो प्लेयर फोर नहीं लगाएंगे बोली और प्लेयर वन ये भी बोलेंगे पास। तो तीनों प्लेयर्स के पास बोलने के बाद प्लेयर वन की बोली जो कि 19 पॉइंट्स की है वो फिक्स्ड हो जाएगी। अब प्लेयर वन अपने कार्ड्स को देखकर तुरंत डिसाइड करेंगे। सो आप देख सकते हैं इनके पास पान के पत्ते दो हैं और इक्का भी उसी का है, तो ये लगाना चाहेंगे पान को तुरुप। अब आप ध्यान रखिए इस गेम में तुरुप पहले किसी को नहीं बताई जाएगी, सिर्फ जिस प्लेयर ने तुरुप डिसाइड करी है उसी को पता चलेगी। तो वो क्या करेगा, हमने एक सेट जैसे कि मैंने बताया 2 से लेकर 6 तक हमने कार्ड्स निकाल के पहले ही अलग कर दिए थे, तो अब इन कार्ड्स में से उसने डिसाइड किया है पान है तुरुप यानी कि हार्ट, तो हार्ट के पत्ते को वो इसमें से ढूंढेगा। अब सबसे नीचे हार्ट का ही पत्ता है, तो वो छुपा के सबसे नीचे वो वाली तुरुप वाला पत्ता रख देगा यानी कि हार्ट। अब हमारा ऑलरेडी सबसे नीचे हार्ट ही है, तो इसको वो छुपा के बिना किसी को दिखाए एक सेंटर में कोने में डाल देगा। तो ये तुरुप तब तक नहीं बताई जाएगी जब तक गेम में उसकी ज़रूरत ना पड़े, तो बाकी प्लेयर्स नॉर्मल खेलेंगे, उनको नहीं पता कि क्या तुरुप है, हो सकता है वो पहला पत्ता तुरुप का ही डाल दें। तो जब गेम में किसी प्लेयर के पास कोई सूट नहीं होगा और उसे तुरुप डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो तुरुप पूछेगा और तब तुरुप निकल के आएगी, हम इसे खोल के दिखाएंगे कि ये तुरुप है, ठीक है। तो इस तरह से तुरुप डिसाइड हो गई है पान, लेकिन अभी वो प्लेयर 2, 3 और 4 को नहीं पता। तो अब दोस्तों बाकी जो बचे हुए पत्ते हैं उन्हें भी 4-4 बांट दिया जाएगा, और इस गेम में सभी को 8-8 पत्ते मिलते हैं, तो हमारे इन सभी प्लेयर्स को टोटल 8 पत्ते दे दिए गए हैं। अब इस गेम में ये जरूरी है दोस्तों कि जब आप कोई कार्ड खेले तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी आपके पॉइंट्स वाले कार्ड हैं उन्हें आप तभी यूज़ करें जब हाथ आपका बनने वाला हो। अब पॉइंट्स वाले कार्ड्स होते हैं गुलाम, इक्का, नहला और दहला। सो जब भी आप ये वाले कार्ड्स खेलें तो या तो हाथ आपका बन रहा हो या आपके पार्टनर का, वरना ये पॉइंट्स दूसरी टीम के पास चले जाएंगे। अब जीतने वाली टीम को, जीतने वाले प्लेयर को 1 पॉइंट मिलेगा और हारने वाले को 0। सो अगर किसी प्लेयर ने बोली जितने की लगाई है वो उतने पॉइंट्स ना बना पाए तो उसे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब मेरी टीम ए, टीम वन है प्लेयर 1 और 3, ये है टीम ए 1, और ये प्लेयर 4 और 2 है टीम 2। तो प्लेयर 1 ने लगाई थी बोली 19 पॉइंट्स की, प्लेयर 3 ने लगाई थी इनके पार्टनर ने 15 पॉइंट्स की बोली, और प्लेयर 2 ने 15 पॉइंट्स की बोली लगाई थी, प्लेयर 4 ने लगाई थी 18 पॉइंट्स की बोली। तो अगर ये प्लेयर इंडिविजुअली पॉइंट्स ना जीत पाए, मान लीजिए प्लेयर 1 19 ना बना पाए, वो बनाते हैं 18, तो उनको मिल जाएगा 0 पॉइंट। और अगर प्लेयर 3 ने 15 की बोली लगाई है लेकिन 15 या 15 से ऊपर बना दिए तो उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से आप कितने भी गेम्स खेल सकते हैं, मान लीजिए आप 28 गेम को 4 बार खेलेंगे तो टोटल किया जाएगा। सो ये टोटलिंग लास्ट में की जाती है दोस्तों। अब मैं गेम शुरुआत करूँगी। सो प्लेयर 1 जीत चुके हैं अपनी बोली, तो अब इन्हीं से गेम स्टार्ट करते हैं, इन्होंने ट्रम्प डिसाइड की थी। तो अब दोस्तों इनको पता है कि हमारी पान तुरुप है, तो अभी ये तो पान का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक ना खेला जाए गेम। अब ये दे देंगे एक छोटा पत्ता फ़िलहाल 8।
अब अगले प्लेयर की बारी आती है, उनके पास है सत्ती आठ की ईट की, लेकिन इनको पता है कि किसी के पास इक्का भी होगा, इसलिए ये फिलहाल छोटा ही पत्ता डालेंगे। अब देखिए इस प्लेयर के पास है नौ, तो ये डाल देंगे नौ। अब हमारे इस प्लेयर के पास सबसे बड़ी है बेगम, तो वो यूज़ करेंगे अपनी बेगम, और ये हैंड बन जाएगा प्लेयर टू और फोर वाली टीम का, तो ये यहाँ रख देते हैं। एक हैंड इनका बन चुका है, अब जिस प्लेयर ने जीता है वो अपना हैंड डालेगा। ये अभी इन्होंने ईट बनाई थी तो ये डालेंगे इक्का। अब देखिए इस प्लेयर के पास है देला, ये डालेंगे 10। और अब इस प्लेयर के पास है गुलाम, और अब आप देख सकते हैं इनके पास ईंट नहीं है, तो अब इनको ज़रूरत पड़ेगी ट्रम्प कार्ड की। तो अब ट्रम्प सिर्फ प्लेयर वन को पता है, तो अब प्लेयर थ्री पूछेंगे ट्रम्प, तो प्लेयर वन बताएंगे। इस ट्रम्प के सेट को उठाया जाएगा, सबसे नीचे पड़ा है पान, तो पान हमारी ट्रम्प है। अब ये चारों को पता चल चुका है कि ट्रम्प है पान, तो अब ये डालेंगे सबसे छोटा पान का पत्ता, और तुरुप डालने की वजह से ये हाथ बन जाएगा इनका। तो ये बन गया प्लेयर वन और थ्री का सेट। अब जीतने वाला प्लेयर डालेगा अपना अगला कार्ड, तो इनके पास सबसे बड़ा है इक्का, तो ये डालेंगे चिड़ी का इक्का। अब इस प्लेयर के पास है नौ, ये प्लेयर डालेगा अभी गम, और इनके पास है देला, तो ये सेट भी बन गया प्लेयर थ्री का। तो अब दोस्तों प्लेयर थ्री के पास और तो कोई बड़े पत्ते नहीं हैं, वो कोई भी एक पत्ता डाल देंगे। अब इस प्लेयर के पास आप देख सकते हैं कोई भी चिड़ी का पत्ता और नहीं बचा, तो ये अपनी छोटी तुरुप यूज़ करेंगे बेगम। अब इस प्लेयर के पास है चिड़ी का पत्ता, तो इन्हें वही डालना पड़ेगा, और इनके पास भी है चिड़ी का पत्ता, तो ये हैंड बन गया प्लेयर फोर का, क्योंकि उन्होंने तुरुप डाली थी। तो अब दोस्तों अगला वो डाल सकते हैं इक्का हुकुम का, तो उन्होंने डाला हुकुम। अब देखिए इस प्लेयर के पास एक भी हुकुम नहीं है, तो वो इस्तेमाल करेंगे अपनी सबसे छोटी तुरुप। अब इस प्लेयर के पास हुकुम है, ये डालेंगे 10। अब इनके पास भी हुकुम है, इन्हें भी यही डालना पड़ेगा। अब ये हैंड बन गया हमारे प्लेयर वन का, जिसने तुरुप डाली थी। अब दोस्तों ये देखिए, अब ये डालेंगे अपना किंग की ईट। अब इनके पास ईट नहीं है, तो ये अपनी तुरुप चलेंगे। अब दोस्तों प्लेयर थ्री के पास भी ईंट नहीं है, तो वो उनके पास सात से बड़ी तुरुप है, वो अपनी तुरुप डालेंगे। अब इस प्लेयर के पास भी ईंट नहीं है और इनके पास सबसे बड़ी तुरुप है बादशाह, तो ये इन्होंने डाली तुरुप बादशाह, और ये चाल होगी इनकी। दोस्तों इस तरह से गेम कंटिन्यू रहेगा। अब आपको पता है कि गुलाम और इक्के के पॉइंट्स होते हैं, तो इन्होंने लास्ट के लिए पत्ते बचा रखे हैं, लेकिन अब इन्हें यही पत्ते डालने पड़ेंगे। ये डालेंगे इक्का। अब इनके पास आप देखिए कोई भी पान का पत्ता नहीं है, तो इनको कोई भी पत्ता वो डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये हाथ बन चुका है प्लेयर वन का, और उनके पास अच्छे पत्ते भी, गुलाम भी आ गया है। अब वो डालेंगे अपनी गुलाम, और ये तुरुप है, इससे बड़ा कुछ, तुरुप सबसे बड़ी होती है, तो बाकी लोगों को अपने एक्स्ट्रा वाले कार्ड्स डालने पड़ेंगे, इनमें से किसी के पास भी पान नहीं है, तो ये हाथ भी बन गया प्लेयर वन का। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्स गिने जाएंगे। ये सारे हैंड्स थे हमारे प्लेयर वन और थ्री के, तो सबसे पहले हम इसमें से नहला, गुलाम और दहलो और इक्के को अलग करेंगे, क्योंकि इनके पॉइंट्स होते हैं, बाकी कार्ड्स को एक जगह रखेंगे। इसमें से
तो अब देखिए इनके पास है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया गुलाम के होते हैं 3 पॉइंट्स, तो पर गुलाम के 3 पॉइंट्स होंगे। अब इनके पास है 3 गुलाम, है ना, तो गुलाम के 3 पॉइंट्स ईच गिने जाएंगे और नेहलू के 2 पॉइंट्स ईच गिने जाएंगे, इक्के के 1 पॉइंट्स ईच गिने जाएंगे और दहले के भी 1 पॉइंट ईच गिने जाएंगे। तो इस तरह से सारे कार्ड्स की टोटलिंग होती है कि किसने कौन सा हैंड बनाया है और उसमें कितने नहला दहला इक्के या गुलाम आए हैं, और उसके बाद टोटलिंग की जाती है। तो अभी हमारी टोटलिंग के हिसाब से प्लेयर 1 और 3 के हुए हैं 1 1 पॉइंट्स ईच, ये लोग जीत चुके हैं, और प्लेयर 2 और 3 अपनी हैंड्स कंप्लीट नहीं कर पाए। दोनों ही प्लेयर्स ने ना ही 15 बनाए ना ही 18 पॉइंट्स बनाए, उनके पॉइंट्स बहुत ही कम हैं। आप देख सकते हैं प्लेयर इनके पास एक ही गुलाम है, यहाँ पर एक नहला है, यहाँ पे भी एक नहला है, सो इनके पॉइंट्स 15 और 18 नहीं बने हैं। तो इन्हें मिलेंगे 0 पॉइंट्स, क्योंकि इन्होंने जितने पॉइंट्स की बोली लगाई थी उतने पॉइंट्स ही नहीं बना पाए। तो इस तरह से गेम चलता जाएगा, आप 4 गेम खेल सकते हैं, उसके बाद टोटलिंग कर लीजिए, जिस भी टीम के टोटल पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे वो टीम जीत जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से खेला जाता है 28 कार्ड गेम। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जिस प्लेयर ने लास्ट में हैंड बनाया उसे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दीजिए, और 29 कार्ड गेम ऐसे खेलेंगे। तो दोस्तों अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।